वो भी मेरे को कांग्रेस से नाराजगियाँ थे, तमाम जो भी चीज़ें थे, तमाम कहानियों की वजह से मैं आज तक कांग्रेस से दूर रहा। और मुखीद के टाइम के ऊपर भी मुझे सदर बनाया गया और फिरोज लाला के टाइम पे भी जो है दक्षिण का सदर बनाया गया और मैंने पूरे तरीके से पार्टी को काम को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद पूरे तरीके से, और मैं ये देख रहा हूँ आज, और मैं डेली टीवी देखता हूँ और न्यूज़ देखता हूँ, तो मैं तो एक मामूली से का इंसान, एक कॉरपोरेटर है वाला हूँ, तो मैंने देखा कि हिंदुस्तान की जो नोयत है वो पूरी नोयत जो है तो कांग्रेस के साथ ऐड हो रही। लालू प्रसाद यादव हो, बड़े बड़े चंद्रबाबू नायडू हो, यानी इतने बड़े बड़े स्टेटों के सीएम रहने वाले लोग जब कांग्रेस के साथ ज्वाइन हो रहे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है कांग्रेस के अंदर जो तमाम लोग कांग्रेस के साथ रहते हुए इलेक्शन लड़ना चाह रहे। तो ये कांग्रेस एक पार्टी ऐसी है, और जो मेरे को इसकी गलतफहमी थी वो मुझे परसों कल बुला के मेरे से गलतफहमियों का पूरा सामना करते हुए, गलतफहमियों को दूर करते हुए तमाम चीज़ साहब ने मुझे बताई कि भाई ऐसा नहीं ऐसा था। तो मैं बोला सर मैं आपसे माफ़ी तलब करता हूँ कि मैंने आपके ताल्लुक से अलग अलग बोल दिया, मैं एक मामूली सगा अदना इंसान हूँ। मैं बोला जो है हम मुसलमान, वो मुसलमान है, हिंदुस्तानी मुसलमान है, ये हिंदुस्तान के लिए जान निसावर करने वाले। आज जो है मैं नांदेड़ का सर्वे करा, तो सर्वे करने के बाद मेरे को ऐसा मालूम हो रहा, ऐसा बीजेपी एक टीम है तो उसके साथ RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ऐसे लोग जुड़े आए हैं। तो उसी तरीके से कांग्रेस एक सेकुलरिज्म पार्टी है, तो सेकुलरिज्म पार्टी के साथ हिंदू भी है, SC भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, सबका जब मैंने ऑब्जर्व किया तो मुझे बताया लोगों ने कि अनु भाई आज ये देश की लड़ाई है, घर की लड़ाई नहीं है। और ये देश की लड़ाई होने के कारण हमको तो कांग्रेस का पूरे तरीके से, तमाम मुसलमान हम पूरे तरीके से वंचित आघाड़ी आ जाओ या MIM आ जाओ या और कोई भी पार्टी शक्ल में आती क्यों नहीं, वो पार्टी को हम साथ नहीं देंगे। और लिहाजा जो है तो हम तमाम लोग कांग्रेस को वोट देने वाले हैं। बड़े बुजुर्गों से भी मैंने मशवरा करा, ये साहब के सामने मैंने प्रवेश किया। मुंबई के आमदार जो नसीम अहमद सिद्दीकी, DP सावन, अशोक राव जी चौहान और 20 से 25 कॉरपोरेटर थे, उनके सामने मैंने पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा। और एक्टिव कार्यकर्ता जो थे वो तमाम एक्टिव कार्यकर्ता को मैंने अपने इंशाल्लाह ताला बोल के काम को लगा दिया हूँ। और आज रात को इंशाल्लाह ताला मेरी 11 बजे बैठक है पूरे नांदेड़ शहर में, जो जो मेरे संपर्क के लोग हैं उनसे मैं मिल के ये दरख्वास्त करूँगा कि भाई कि अपने को सेकुलरिज्म पार्टी को अशोक राव जी चौहान को जिता के लाना है, A और B टीमों को नहीं देखना है और अपने को सेकुलर ताकत को आगे बढ़ाना है। हिंदुस्तान लेवल पे जो चल रहा हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह ताला। अब मैं कांग्रेस पार्टी को ना छोड़ते हुए कांग्रेस के साथ रहूँगा।